में जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली तुमने उसी दिन फरा गोगी के केस खत्म करा दिए। डार साहब से तकलीफ जो है ना वो एनआरओ की नहीं, और इकोनॉमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा। असल में तकलीफ ये है डार साहब से। नवाज शरीफ की सजा एक दरखास्त पर खत्म हो जाएगी। मरियम नवाज का दावा, नैब पर 57 दिनों तक हबसे बेजा में रखने का इल्जाम। दावा किया जिस केस में गिरफ्तार किया उसका रेफरेंस आज तक दायर नहीं हुआ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा इमरान खान को इख्तदार में लाने के लिए पानामा का ड्रामा रचाया गया। इसहाक डार एनआरओ के तहत वापस नहीं आए। असल एनआरओ बनीगाला को रेगुलराइज कराना और फराह गोगी के मुकदमात वापस लेना है। भाइयों से मुलाकात के लिए जल्द लंदन जाने का ऐलान। चोरी के तमाम केसेस माफ कराना कौम के साथ मजाक है। करत टोले ने एनआरओ लेकर अपनी चोरियां माफ कराई। नवाज और जरदारी खानदान को अच्छी तरह जानता हूँ। हुकूमत ने नैब में अपना बंदा बिठाया ताकि मर्जी के फैसले कराए। इमरान खान के पेशावर में सीनियर अहदेदारों से बातचीत, कहा किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकता हूँ। तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारियां। वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में हिकमत अमली बना ली गई। रेड जोन में वाकई सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के सपुर्द करने का फैसला। सिंध पुलिस और रेंजर्स और एफसी की खिदमात हासिल करने की तजवीज भी मंजूर। इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। इख्तदार से हटाए जाने पर मौशरे में जहर घोल रही है। इमरान खान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू, वाजे कर दिया इमरान खान का इदारों के तशख्स को मजबूर करने का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। ऑडियो लीक से हमें फायदा और हुकूमत को नुकसान हुआ। हुकूमत की नाकामी साबित हो गई। ऑडियो में वजीर आजम भारत से तिजारत के मशवरे दे रहे हैं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा है। सैकड़ों अरब रुपए की चोरी बचाने के लिए इंतखाबात से फरार इख्तियार किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी से माफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज की एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। मसला अपने केसेस खत्म कराना था। महंगाई और गरीब एक बहाना। दाखला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा गरीब मुआशी तौर पर हयात नाहली के बारे में आईन का आर्टिकल 62(1) एफ ड्रेकुनेन कानून है। फैसल वार्डर नाहली केस की समाप्त के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मुकदमे को एहतियात से सुनेंगे। सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाहली का हुक्म दे सकता है। बलूचिस्तान में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एफआईए का क्रैकडाउन। 14 मुलजिमान गिरफ्तार, 40 अफराद के खिलाफ तहकीकात जारी। 15 से जायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वफाकी तहकीकाती इदारे का ऐलान। हलाक पेशावर के इलाके हसन खैर में फौजी काफले पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए। दहशत गर्दों से मुकाबले में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अक्वामी मुत्तहिदा ने सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए फ्लैश अपील कर दी। पाकिस्तान को बहाली के लिए मदद की जरूरत है। हुकूमत मुतासिरीन की मुसलसल मदद कर रही है। पाकिस्तान में नुमाइंदा यूएन जोलिन हारंस का तकरीब से खिताब, सरबरा सेव द चिल्ड्रन का मुतासिरीन से इजहार यकजहती। पाकिस्तान की मदद के लिए दरखास्त, बच्चों की सेहत पर तहफ्फुज़ात का इजहार भी कर दिया। भूख और बीमारियों ने सिंध के सैलाब मुतासिरीन को घेर लिया। मुतासरा इलाके वबाई अमराज का गढ़ बन गए। अब तक 750 से ज्यादा अफराद जान बहक हो चुके। हजारों अफराद डेंगू, गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला। मुतासिरीन के लिए तिब्बी सहूलतें न होने के बराबर मुतासिरीन सैलाब के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वजीर इत्तला सिंध का दावा, शर्जील मेमन का कहना है मुतासर इलाकों से पानी की निकासी पर तवज्जो दे रहे हैं। इस्लामाबाद में धरने पर बैठे किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब।
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने समेत बेशतर मुद्दा की किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाजी किसानों को धरना खत्म करके घरों को वापस जाने की तलकीन भी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत को कराची डिवीजन में पुलिस की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की तरफ से मतलूबा 60 करोड़ रुपए न मिलने का शिकवा वाजे कर दिया। पैसे न मिले तो इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा।